नमस्कार, आपका स्वागत है एशिया न्यूज इंडिया में। आपके साथ मैं पूनम। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने दबों में कहा, मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले 3 साल में मात्र 21 रोजगार दिए हैं। पिछले 18 साल से सत्ता में हैं, यहाँ भर्ती से ज़्यादा घोटाले हो रहे हैं, खाली पद भरे नहीं जा रहे। देश की संपत्ति बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को कोड़ियों के दाम पर सौंप दी, इनसे रोजगार कैसे बनेंगे। शनिवार को आम सभा में उन्होंने कहा, सरकार और नेता से आपकी क्या उम्मीद है। इसका जनता की ओर से एक ही जवाब आता है, हमारे जीवन में मुश्किलें बहुत है। प्रियंका ने अपनी स्पीच की शुरुआत भगवान जागेश्वर नाथ, भोलेश्वर महादेव के जयकारे और वाल्मीकि को नमन करते हुए की। प्रियंका का बुंदेलखंड में पहला चुनावी दौरा है। प्रियंका का 17 दिन में मध्य प्रदेश का दूसरा दौरा है। 12 अक्टूबर को ही उन्होंने मंडला में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली को संबोधित किया था। इसी के साथ बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।